नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है बप्पी सिंह, आप देख रहे हैं बप्पी कुकिंग चैनल। तो आज हम बनाएंगे स्पेशल खीर, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी बताएंगे दोस्तों, जिससे आपका खीर बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल रबड़ी जैसा टेस्ट मिलेगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, बिना स्किप करें। ये हमारे पास फुल क्रीम दूध है दोस्तों, 4 लीटर। एक पतीले में डाल देंगे दोस्तों, एक एक करके। कोशिश करिएगा फुल क्रीमी दूध हो, फुल क्रीम दूध में खीर बहुत ही बढ़िया बनते हैं दोस्तों। एक एक करके हम 4 पैकेट डाल देंगे दोस्तों। हमने टोटल 4 लीटर दूध लिए दोस्तों, आधा कप पानी डाल देंगे। अब इसको गैस पे हाई फ्लेम पे रख देंगे दोस्तों। अब चावल भिगो देते हैं। ये हमारे पास नॉन बासमती राइस है दोस्तों, 1.5 कटोरी हम चावल लेंगे। अच्छी तरह इसको धो लेंगे दोस्तों। धोने के बाद इसको दूध में हम डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमारे हाई रखेंगे दोस्तों। ये है कुछ थोड़े से केसर, थोड़ा सा दूध डाल के इसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। अगर आपके पास केसर ना है दोस्तों, तो मैं आपको एक ऐसा इन्ग्रीडियंट्स बताऊंगा जिससे आपका बिल्कुल केसर जैसा कलर निकल कर आएगा और टेस्ट भी बिल्कुल रबड़ी की तरह। तो वीडियो के आगे मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। मैं ये है हमारे पास 4 बड़ी इलायची है दोस्तों, हरे वाले। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी तरह चलाते हुए अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दोस्तों। अब ये हम डाल देंगे दूध और केसर। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे दोस्तों। अब हाई फ्लेम पे इसको एक उबाल आने देंगे। ये देखिए दोस्तों, उबाल आना स्टार्ट हो गया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। करछी को हम इसी तरह से पलट के इसको इसी तरह चला लेंगे 1 से 2 मिनट, ताकि हमारे चावल है बिल्कुल साबुत ना रहे, अच्छी तरह मिक्स हो जाए दूध के साथ। अब गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे दोस्तों। एक उबाल आ चुका है हमारा, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको 20 मिनट के लिए हम इसी तरह छोड़ देंगे पकने के लिए दोस्तों। ये हमारे पास 600 ग्राम चीनी है, थोड़े से हमने गुड़ लिया जिसको हम जैगरी भी कहते हैं दोस्तों। यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिससे आपको बिल्कुल केसर वाला फ्लेवर देगा और रबड़ी के जैसा टेस्ट निकल कर आएगा। आप गुड़ जरूर डालें, फटेगा नहीं दोस्तों, उसकी गारंटी है। चावल भी हमारा अच्छी तरह पक चुका है दोस्तों। ये हमारे पास बादाम, 50 ग्राम के आसपास हमने बादाम को उबाल के इसको छील के मिक्सी में पीस लिए थे दोस्तों। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, वरना स्किप भी करिए, बट बादाम जरूर डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। अब डाल देंगे इसमें हम चीनी। साथ से डाल देंगे थोड़े से गुड़ दोस्तों। गैस का फ्लेम आप हाई कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से चलाते हुए रहेंगे दोस्तों, ताकि हमारे गुड़ और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे इसी तरह चलाते रहेंगे दोस्तों। बहुत ही ईजी और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये रेसिपी। अच्छे से उबाल देंगे दोस्तों। ये देखिए कितना बढ़िया कलर निकल कर आया दोस्तों, जितना ठंडा होगा उतना बढ़िया कलर निकल कर आएगा दोस्तों। ये हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। अब एक सर्विस बॉल में निकाल लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे रखिएगा, ताकि आने वाली की वीडियो की नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से आप तक पहुंच जाए दोस्तों। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम रोज लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं।